आज हम अपनी क्लास थर्ड का हिंदी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखा, पीडीएफ से आपको सारा जो आपका रिटर्न वर्क था वो कॉपी में उतारने के लिए पीडीएफ से मिल गया। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप सबके पास ये वाली बुक आ चुकी है ना, बस मैम जब भी पढ़ा है बुक साथ में खोल के बैठिए, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आपका सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो था आपका पोएम थी और कहानी कविता, और आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है चालाकी का दंड। चालाकी का दंड मतलब कि इसमें एक गधे और उसके मालिक की स्टोरी है कि जिस तरीके से गधा उसके मालिक के साथ में चालाकी करता है अपने काम को बचाने के लिए, काम चोर होता है तो उसी तरीके से फिर मालिक जो होता है वो भी कुछ चालाकी करके गधे को उसकी चालाकी का दंड देता है। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आपके सिद्धार्थ कुछ लिखे हुए हैं, जो वर्ड आप पहली बार पढ़ेंगे ना उनका आपको ये मीनिंग भी बता रखा है। ओके, मैम ये भी समझाएंगे। चलो, आपका गधा चालाकी का दंड। गट्टू नाम का एक गधा था, वह अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसके मालिक सोमनाथ नाम का व्यापारी था। सोमनाथ पीसा हुआ नमक बेचा करता था। वह नमक की बोरियां गधे की पीठ पर लादकर शहर में ले जाता था। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। नदी में बड़े छोटे पत्थर थे, गधे को इस नदी से होकर जाना पड़ता था। आई बात समझ में? एक गधा था गट्टू नाम का और वो चालाक समझता था अपने आप को। उसका एक मालिक था जिसका नाम सोमनाथ था और पीसा हुआ नमक बेचता था, गधे की पीठ पे ले जाता था और ले जाने के रास्ते में क्या आती थी, एक छोटी सी नदी आती थी। एक बार सोमनाथ गट्टू की पीठ पर नमक की बोरियां लादकर ले जा रहा था। नदी पार करते समय गधे को एक बड़े पत्थर से ठोकर लगी और वह पानी में गिर पड़ा। वह कोशिश करके खड़ा हो गया पर गधे को लगा कि उसकी पीठ पर लदा बोझ कुछ कम हो गया। भीगने के कारण बोरियों में भरा नमक पानी में घुलकर बह गया। गधा बहुत खुश हुआ, अब तो प्रतिदिन यही होने लगा। अब वो एक बार जब वो अचानक से गिर गया ठोकर खा के, तो जो पानी से नमक जो था उसका वो पूरा गल गल के और निकलने लग गया। तो अब गधे ने उसमें चालाकी करी, वो तो बहुत अच्छा मुझे मिल गया। वो जान बूझ के रोज उस नदी में गिरने लग गया, इस तरीके से उसका नमक जो गलने लग गया और उसकी पीठ पे जो वजन होता था वो क्या होने लग गया था, कम होने लग गया था। अब तो प्रतिदिन यही होने लगा। नदी पार करते समय गट्टू जान बूझ कर पानी में गिर पड़ता और बोरियों का नमक भिगो कर अपना काम कर लेता। सोमनाथ गधे की चालाकी समझ गया, उसने सोमनाथ मालिक ने भी समझ लिया कि रोज रोज को गिरता है ठोकर तो एक दिन लगती है ना, रोज थोड़ी ना लगेगी क्या। उसने सोचा गधे को इसका मजा चखाना चाहिए। अगले दिन सोमनाथ ने बोरियों में नमक के बदले रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दी। अब उसने क्या करा, गधे को मजा चखाने के लिए गधे ने अपनी चालाकी दिखा दी कि ऐसे नमक को पानी में बहा दूंगा तो मुझे तो मतलब मजा लगेगा ही नहीं। तो अब मालिक समझ गया, मालिक ने नमक की जगह क्या लग दिया, रुई लग दिया। रुई लगने से क्या होगा, अगले दिन सोमनाथ ने बोरियों में नमक के बदले रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दी। गधे ने सोचा, वाह अभी तो नदी में डुबकी भी नहीं लगाई तो भी पीठ पर भार कम लगता है, डुबकी लगाने के बाद तो भार और कम हो जाएगा क्योंकि नमक जैसे रखते थे उनका भार तो ज्यादा लगता था नमक का, और उसने पहले से ही मालिक ने क्या रख दिया, रुई तो और ज्यादा सॉफ्ट होती है उसमें तो और भी ज्यादा वजन नहीं होता। तो गधे को पहले से मजा आ गया कि वाह वास्तव पानी में भी नहीं कर दिया गिरा मैं, उसके पहले से ही क्या हो गया मेरी पीठ पे तो वजन लग ही नहीं रहा और जब पानी में गिरूंगा तो वजन तो और ज्यादा कम हो जाएगा। नदी आई, गधा थोड़ा लड़खड़ाया और पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा, रुई ने काफी पानी सोख लिया और वह बाहरी हो गई। अब सभी वस्तु जो होती है उनका जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। नमक क्या करता था, पानी में जब घुलता था तो वो पानी के साथ बहने लग गया था, लेकिन इसकी जगह क्या आ गई है, रुई आ गई है। तो रुई क्या करने लगी, पानी अपने अंदर सोखने लगी, जिसकी वजह से उसका वजन क्या होने लगा, बढ़ने लग गया। गधा उठा तो उसकी पीठ पर भार बहुत बढ़ गया। गट्टू सोचने लगा, आखिर आज हुआ क्या, पीठ का भार बढ़ा, इतना कैसे बढ़ गया, मतलब रोज गिरता था तो भार कम होता था, आज गिरा तो उल्टा भार बढ़ गया। गधे से चला नहीं गया था, वहीं खड़ा हो गया। सोमनाथ तो पहले से ही जला बुना हुआ था, वह गधे पर जोर जोर से डंडे बरसाने लगा। गधा ढेंचू ढेंचू करके चीखने लगा, मतलब उसको पहले से ही पता था सोमनाथ मतलब जो उसका मालिक था उसको पहले से गुस्सा आ रहा था,
ये सही से काम कर ही नहीं रहा है, जानबूझकर जो है वो गिर जाता है, नमक मेरा सारा बर्बाद कर देता है, चलता भी नहीं है ठीक से। और आज उसके ऊपर क्या डाल दिया, वही डाल दिया, उसका वजन और ज्यादा हो गया, वो चल नहीं रहा। फिर उसने मालिक ने उसको डंडे से बहुत ज्यादा पीटा और तो जो गधा था वो ढेंचू ढेंचू करने लगा। इसके बाद वह कभी नमक की बोरियां लेकर पानी में नहीं बैठा, उसे अपनी चालाकी का फल मिल गया था। मतलब गधे ने अपने जो चालाकी करी थी तो मालिक ने उसके उससे वापस बदला ले लिया। तो इस तरीके से अब गधा क्या करने लगा, अपना काम सही से करने लगा, नमक भी लाद के ले जाता तो वो नदी में नहीं बैठता। देखो इस लेसन में इस बारे में आपको नए नए कुछ वर्ड आए हैं, इसके हम शब्दार्थ अपन समझेंगे, है ना। सबसे पहले तो आपका जो लेसन का नाम ही था चालाकी का दंड, मतलब कि चालाक। चालाक का मतलब क्या होता है, होशियार। क्या होता है, होशियार। चालाक मतलब कि बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझना, जैसे बोलते हैं नॉर्मल ज्यादा ही होशियार समझना, मतलब बहुत ज्यादा चालाक है। ऐसा गोकर, गोकर का अर्थ मतलब कि धक्का लग गया या फिर चोट खाकर, ऐसे बोलते ना अपन धक्का लग के गिर गया या फिर उसको चोट लग गई, ऐसे चलते चलते कभी गिर गया तो उसी को बोलते। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना, डे बाय डे, हर हर दिन जो होने लगता है उसको बोलते प्रतिदिन या रोजाना। बोझ, बोझ मतलब सामान का भार, वो बोझ लेके चलता था ना, मतलब कि जो सामान होता है उसका भार। भार, भार मतलब क्या होता है, वजन। वजन, वजन मतलब कि भारीपन उसको लगता था, लगता था ना, लगता के गिर गया मतलब कि वो डगमगा गया, ऐसे 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 करके गिर गया। फिर डंडे बरसाना, डंडे बरसाना मतलब कि मांग, सोख लेना, सोख लेना मतलब कि पानी को चूस लिया, जमीन ने चूसा। अब आपका जो चैप्टर है उसमें और भी एक्टिविटीज बहुत सारी दे रखी है, जैसे आपके पास ओरल क्वेश्चन है, सोमनाथ कौन था सोमनाथ गधे का मालिक था। सोमनाथ क्या काम करता था, तो सोमनाथ क्या करता था, नमक का व्यापारी था। फिर आपके पास आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, आपको मैडम पीडीएफ में देंगे। पहली बार गधा नदी में कैसे गिरा था, तो वो पत्थर से टकरा के और ऐसे गिरा था। गट्टू जानबूझ कर पानी में क्यों गिरता था, क्यों गिरता था गट्टू जानबूझ कर, क्योंकि उसको ज्यादा वजन नहीं ले जाना पड़े, है ना, वो नमक ले जाएगा पानी में तो उसको नमक ज्यादा नहीं ले जाना पड़ेगा। गधे के पीठ पर लगा वजन कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, क्योंकि उसने नमक की जगह क्या भर दिया, कमी भर दी और उसी में जो पानी है वो सोख लिया, तो उससे वजन बढ़ गया। फिर आप क्या है, देखो उचित उत्तर पर लाइट का निशान लगा हुआ, गधे का नाम क्या था, ये इस तरीके से आपको दे रखा है, जो कि मैडम पीडीएफ में पूरा आपको शेयर कर दी है। गधे का क्या नाम था, क्या नाम था गधे का, गटरू। क्या नाम था, गटरू। सोमनाथ किसका व्यापारी था, नमक का, चीनी का, फल का, किसका था, नमक का। गधे को मजा चखाने के लिए सोमनाथ ने बोरियों में क्या भरा था, क्या भरा था, बाद में उसने चीनी, नमक या रुई, रुई भर दी थी। फिर आपको सही गलत बताना है, सोमनाथ पीसी हुई शक्कर बेचा करता था, सही है, क्या बेचने जाता था, शक्कर, नहीं गलत है, क्या बेचते थे, नमक। गटरू अपने आप को बहुत चालाक समझता था, सही है, पहली लाइन है हमारे पास। सोमनाथ गधे की चालाकी नहीं समझ पाया, गलत, हो तो समझ गया था ना, तभी तो उसने नमक के बदले रुई भरी थी। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा, सही, क्योंकि रुई जो है पानी सोख लेती। सोमनाथ गधे को प्यार करने लगा, नहीं उसने तो क्या करा था, डंडे बरसाए थे, पीटा था, अच्छा उसको। उचित वाक्यांश का सही अक्षर चौखट में लिखो, गधा अपने आप को क्या समझता था, बहुत चालाक समझता था, वह कोशिश करके खड़ा हो गया। सोमनाथ जोर जोर से डंडे बरसाने लगा, वह गधे पर, सॉरी, सोमनाथ गधे की चालाकी समझ गया, वह गधे पर जोर जोर से डंडे बरसाने लगा, उसे अपनी चालाकी का फल मिल गया था। ये सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ओके। इनमें से जो औरों से अलग हो उसका नाम लिखो। अब आपको कुछ चार चार पांच वर्ड दे रखे हैं, उनमें से जो अलग होगा ना उसका आपको नाम लिखना है। मैं बोलती हूँ जैसे गधा, घोड़ा, गाय, बकरी, मेंढक, इनमें से आपको क्या अलग लगना है, मेंढक, क्योंकि गधा, घोड़ा, गाय, बकरी, ये तो सब क्या करते हैं, ये एक जैसे जमीन पे चलते हैं, घास खाते हैं, ये काम। लेकिन मेंढक क्या करता है, मेंढक पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। फिर आम, संतरा, गेहूं, लीची, सेब, क्या अलग आएगा इनमें से, आम, संतरा, लीची और सेब, ये सब क्या है, फलों के नाम है। लेकिन गेहूं क्या है, गेहूं एक अनाज है, तो इसमें से क्या अलग आ जाएगा, गेहूं। ज्वार, बाजरा, दूध, चावल,
दाल, इसमें से क्या अलग हो जाएगा? ज्वार, बाजरा, दाल, चावल, ये सारे क्या है? खेत में उगाए जाते हैं, लेकिन दूध कहाँ से मिलता है? दूध हमको पशुओं से मिलता है, तो ये दूध इसमें से अलग हो जाएगा। फिर पढ़ो और समझो, जैसे आपको ये वर्ड कुछ दे रखे हैं, इसमें से आपको एक वर्ड वर्ड अलग करके लिख करके, जैसे ये भूल कर, तो भूल प्लस कर, भिगो कर, भिगो प्लस कर, जान बूझ कर, तो जान बूझ प्लस कर, तो ये सब में क्या कर रखा है? कर कर लगा रखा है ना। उसके बाद में आती है आपके निम्नलिखित शब्दों में से उचित वर्तनी वाले शब्दों पर राइट का निशान लगा। मतलब बहुत बार आपको हिंदी के वर्ड लिखना नहीं आते ना, ठोकर को जैसे आपके लिखों के मेरे वर्ड को वर्ड तो ठोकर सही मायने से अच्छे से लिखे, अगर सही वर्तन में तो कैसे ऐसे लिखा है आपका ठोकर, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको हिंदी लिखना नहीं आता वो ऐसे लिखेंगे तो वो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठोकर तो नीचे वाला सही है, इसी तरीके से आपको राइट वाला लगाना है। मैम आपको पीडीएफ में दे देंगे। तो ठोकर, बोझ, प्रतिदिन और पीठ। फिर ये अक्षरों को सही क्रम में लगाना लिखो। ये जैसे आपको ये दे रखा है ना, ये गलत क्रम है। दी प्रणति, इससे कोई शब्द बनता है क्या? दी प्रणति आपने कभी सुना है? नहीं सुना। इससे क्या बनेगा? प्रतिदिन। इसी तरीके से रीवाक्या, रीवाक्या ऐसा आपने कुछ कभी सुना है? नहीं सुना ना। तो इससे क्या बनेगा? व्यापारी, व्यापारी। ऐसा कुछ शब्द होता है क्या? नहीं सुना आपने तो। फिर क्या इसका क्या बनेगा? गो री यो, है ना? आएगा सोल्यूशन। फिर इसके बाद आपका आता है संख्या। अब संख्या जो है आपका ये व्याकरण पोर्शन में आ जाता है और आपके यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी व्याकरण में स्टार्ट होगी। ये भी एक व्याकरण में आता है, इसको हम जो पीछे वाला वर्ड जोड़ के लगाते हैं इनको प्रत्यय बोलते हैं ना। और यहाँ पे अपना सही शब्द करा और ये संख्या आ गई। अब संख्या क्या आ जाती है? संख्या की अगर परिभाषा देखे तो वो होती है कि किसी भी नाम का जो होता है ना उसको हम बोलते हैं संख्या। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, या किसी स्थान का नाम हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। उदाहरण विष्णु गधे का नाम क्या था? गठरू। तो गठरू क्या हो गया? है संख्या हो गया। और सोमनाथ किसका नाम था? मालिक। तो सोमनाथ क्या हो गई? संख्या हो गई। अब वो क्या काय का व्यापारी करते थे? नमक। तो नमक क्या हो गया? एक वस्तु। तो नमक वस्तु ये भी संख्या हो गई। हमारे गांव का नाम क्या है? राउटी। आपका स्कूल कहाँ पे है? राउटी। तो राउटी क्या हो गई? एक संख्या। संख्या क्यों? क्योंकि यह एक स्थान का नाम है ना। तो इस तरीके से आपको संख्या की परिभाषा भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आपका ये थर्ड चैप्टर कम्प्लीट हो रहा है। अच्छे से इसको समझो और उसके बाद में पीडीएफ आएगा तो आपकी फोन फ्रेम कॉपी भी आप साथ में कम्प्लीट करते जाइए। ओके।